दोस्तों इंस्टाग्राम के अंदर जब हम जाते हैं और रील्स के ऑप्शन में जाकर के रील्स को वॉच करते हैं, स्क्रॉल कर कर के वीडियो को देखते हैं, फ्री टाइम में हम यही करते हैं कि हम रील्स देखने लगते हैं। अब वहाँ पर कोई भी रील्स अगर हमें पसंद आ जाती है तो हम सोचते हैं कि भाई इस रील्स की वीडियो को हम अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी लगा दें, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि वो जो रील्स होती है वो 15 सेकंड से ज़्यादा की होती है तो पूरी वीडियो हमारी स्टोरी पर नहीं लग पाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिस तरीके से आप पूरी रील्स की वीडियो को अपनी स्टोरी पर लगा सकते हैं। 15 सेकंड से ज़्यादा की अगर आपकी वो वीडियो है तो आप उसको लगा पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है जब उसको फॉलो करोगे तो उसके बाद जो है आप कोई भी 15 सेकंड से ज़्यादा की रील्स को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर सेट कर पाएंगे, उसको लगा पाएंगे। अगर आप यही चाहते हो और इसीलिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब हम रील्स के अंदर होते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं तो कोई भी वीडियो जब हमें पसंद आ जाती है तो उसके शेयर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में नीचे में एक ऑप्शन मिलता है हमें, उसमें कहा जाता है कि यहाँ से आप अपनी इस रील्स को अपनी स्टोरी पर पोस्ट कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में हमारी जो रील्स लगती है वहाँ पर 15 सेकंड की ही लग पाती है, उससे ज़्यादा नहीं लगती है। तो इसके लिए आपको एक तरीका, एक ट्रिक यूज़ करनी होगी जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो किस तरीके से करना है, देखो जैसे हम रील्स के अंदर होते हैं तो रील्स पर हम वीडियो को देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पर कोई भी रील्स हमें पसंद आ जाती है, शेयर पर क्लिक करना है उसके। उसके बाद में वहाँ पर आएगा कॉपी लिंक का एक ऑप्शन, कॉपी लिंक करेंगे। कॉपी लिंक करने के बाद में अब यहाँ पर उस वीडियो का लिंक कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद में आप उस वीडियो को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कैसे करेंगे, आप ब्राउज़र पर चले जा सकते हैं जैसे कि क्रोम ब्राउज़र होता है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको गूगल पर लिखना होता है कि आप जो है यहाँ पर रील्स वीडियो को डाउनलोड कैसे करें, या रील्स वीडियो डाउनलोड कैसे करें, या हाउ टू डाउनलोड रील्स वीडियो। तो इस तरीके से जैसे आप सर्च बार में लिखेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाती है, वहाँ पर आप जाने के बाद में उस रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इससे अलग कोई और तरीका आप जानते हैं रील्स को डाउनलोड करने का तो आप उस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जब वो रील्स जो है आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपकी गैलरी के अंदर, तो आप फिर से जो है इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में डायरेक्ट जो है स्टोरी वाले ऑप्शन में जाएंगे और गैलरी से उस स्टोरी को, यानी कि गैलरी से उस वीडियो को आप जो है जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से वो जितनी भी लेंथ की वीडियो होगी वो पूरी की पूरी लग जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अब 15 सेकंड से ज़्यादा की उस रील्स को आप अपने स्टोरी पर लगा सकते हो, सेट कर सकते हो। यही तरीका एक है, इससे अलग और कोई तरीका नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।